सबसे पहले बात दिल्ली में चल रहे बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सम्मेलन की, जिस आज आखिरी दिन है। कल जिस तरह से मंच पर मोदी का गुणगान हुआ, सबकी निगाहें अब इस बात टिकी हैं कि क्या आज आखिरी दिन मोदी बोलेंगे। पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी, नंबर वन हो इंडिया हमारा। बीजेपी की इस बैठक में संकेत इतने साफ साफ दिए जा रहे हैं कि पार्टी के अगले सरदार के बारे में अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन है। पार्टी समेत देश भर की नजरें नरेंद्र मोदी पर ही टिकी रहेंगी। बैठक में आज मोदी बोलने वाले हैं। माना जा रहा है कि जल्दी ही गुजरात के मुख्यमंत्री को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में तो मोदी के आने की बात पहले से ही चल रही है। कहा यह भी जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए बनने वाली 5 सदस्यों की कमेटी में भी उनका नाम होगा। पार्टी कार्यकारिणी की बैठक पूरी तरह से मोदीमय नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों की बैठक की इन 3 तस्वीरों पर अगर आप नजर डालें तो कहानी आपको भी अपने आप समझ में आ जाएगी। आलम यह है कि कभी मोदी से 36 का आंकड़ा रखने वाले राजनाथ उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। आप सबको मालूम है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात में हमको तीसरी बार सफलता प्राप्त हुई। बैठक में मौजूद नेता उनकी खूबियां गिना रहे हैं। दूर दराज से आए कार्यकर्ता समर्थन में नारे लगा रहे हैं और तो और मोदी की महिमा अब बाकायदा गीत और संगीत में पिरोकर सीडी के जरिए बांटी जा रही है। पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी, नंबर वन हो इंडिया हमारा। ये माहौल अचानक नहीं बना, लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी। चाहे वो समय समय पर संघ की तरफ से आया बयान हो या फिर महाकुंभ में वीएचपी की ओर से मोदी को मिला खुला समर्थन। नरेंद्र मोदी जी की बात आई है, अगर नरेंद्र मोदी जी के लिए घोषणा होती है प्रधानमंत्री होने के लिए तो मैं स्वयं भी अपना पूरा समय उनके प्रचार के अंदर लगा दूंगा। जाहिर है ये माहौल पूरी रणनीति के साथ बनाया गया है। अब इसका असर कुछ ऐसा है कि आडवाणी की मौजूदगी पर भी मोदी हावी होते नजर आ रहे हैं। आडवाणी बीजेपी के वो महारथी हैं जिसके सारथी का काम कभी मोदी ने किया था, लेकिन मानना पड़ेगा बुनने वालों ने ताना बाना कुछ ऐसा बुना है कि नरेंद्र मोदी की तस्वीर बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों से ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। संघ और वीएचपी की हरी झंडी के बाद मोदी की भूमिका पर किसी को संदेह भी नहीं रहा। दिल्ली को भी पता है कि अब मोदी को रोकना मुश्किल है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के सभी बड़े किरदारों के लिए पटकथा नागपुर में लिखी जा चुकी है। किसे कब कहाँ और कौन सी कमान संभालनी है, इशारा साफ दिया जा चुका है। शायद ये उसी इशारे का असर है कि बीजेपी के इस मंच को पार्टी के मुखिया ने ही मोदीमय बना दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं उनका माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ और तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंजता रहे। जाहिर है जब पार्टी के अगुआ ने इस तन्मयता से मोदी राग सुनाया तो बाकी के कोर्स भी लय ताल से उनके साथ हो लिए। गुजरात में इसलिए मिला है कि वहाँ इतना काम किया है मोदी जी ने, वो जिसकी चर्चा आज सारी दुनिया में हो रही है, सिर्फ इंडिया में नहीं, तो ये बात फैल रही है, वो डिमांड बढ़ रही है मोदी जी को सामने लाने की। तो पार्टी अपने मीटिंग होगी तब डिसाइड करेंगे। मोदी जी के नाम पर जिस तरह से कई मिनटों तक लगातार तालियां बजती रही, नारे लगते रहे, माल्यार्पण करके राजनाथ जी ने उनका स्वागत अभिनंदन किया, वो शायद कार्यकर्ता भी वही चाहते थे और कार्यकर्ताओं के मन की भावना को जगकर राजनाथ जी ने वो किया है। अब सबके जहन में सवाल बस ये है कि आखिर मोदी के नाम का ऐलान कब होगा। वैसे मौका और माहौल देखकर ये दिखने लगा है कि गुजरात के सरदार के लिए दिल्ली अब दूर नहीं रह गई है। अमिताभ सिन्हा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। बीजेपी के महामंथन के आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में आज मोदी क्या कुछ बोलेंगे और क्या कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है उनके नाम को लेकर, इस पर और ज्यादा तफसील से जानकारी देंगी मेरी सहयोगी अंजना कश्यप। बिल्कुल पिनाज, मार्च की सुबह में गर्माहट की शुरुआत दिख रही है तो बीजेपी में भी एक
अलग किस्म की राजनीतिक गर्माहट दिख रही है। बस नाम नहीं लिया गया नरेंद्र मोदी का, उनके नाम की घोषणा नहीं हुई प्रधानमंत्री के लिए, बाकी जो कुछ कहा जा सकता था वो कहा गया है। वंदना की कतार राजनाथ सिंह साहब से शुरू होती है जो कि अध्यक्ष है पार्टी के, मुख्तार अब्बास नकवी जी बीजेपी के उपाध्यक्ष हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मुख्तार जी, बिल्कुल मोदीमय माहौल हो गया है। देखिए, ये माहौल जो है वो निश्चित तौर से हमारे लिए सुशासन संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी विकल्प के रूप में सामने खड़ी हुई है देश के, और हर कार्यकर्ता में एक जोश है, एक उत्साह है और एक संकल्प है कि हम उसी जोश और उत्साह के साथ जो देश के कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार है जिसकी वजह से 9 सालों में आज देश कहाँ पहुंचा है, उसको देश को हम सही रास्ते पे ले जाकर के खड़ा करें। लेकिन मुख्तार, आपको याद आता है कभी कि इस तरह से किसी एक नेता का नाम लेकर स्टैंडिंग ओवेशन और इस तरह से? नहीं, देखिए मोदी जी के बारे में, मोदी जी की लोकप्रियता के बारे में, मोदी जी की कार्यकर्ताओं से लेकर के आम लोगों में की एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में कोई सवाल नहीं। जो चीज दीवार पे बहुत साफ लिखी हुई है उसे कोई एफिडेविट करके देने की जरूरत नहीं होती। बहुत साफ लिखा हुआ है कि देश के लोग आज मोदी जी की तरफ बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं। जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में बहुत बार ऐसे समय आए हैं जब लोगों ने इसी तरह से, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का हो, अडवाणी जी का भी उसी तरह का एक, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे पास इस तरह के लीडर्स हैं। एक मुख्यमंत्री को सिंगल आउट करके, उनके बारे में तो पता था कि किसकी क्या भूमिका होगी, एक मुख्यमंत्री को सिंगल आउट करके, शिवराज सिंह चौहान भी तो फिर उतनी महत्व। देखिए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पालने में तो पैदा होता नहीं है, परिश्रम से पैदा होता है और खेत खलिहान चौक चौराहों चौपालों से संघर्ष करके आता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे प्रधानमंत्री तक हो। तो इसलिए मोदी जी में वो सारी काबिलियत है, वो सारी कैपेबिलिटी है जो कैपेबिलिटी की प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए होनी चाहिए। तो फिर प्रोजेक्ट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं खुलकर नीतीश कुमार का डर? देखिए, जो चीज दीवार पे बहुत साफ लिखी हो उसे बार बार कहने की और बार बार सुनने की जरूरत नहीं होती, एक चीज। दूसरी चीज जो है वो प्रोजेक्ट करना, किसको कब करना, ये एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारा, एक सिस्टम है, उस सिस्टम से होता है। नीतीश कुमार को कैसे मनाए? देखिए, अब जिस समय हमारी घोषणा होगी औपचारिक, उस समय जो है वो कौन मानेगा और कौन नहीं मानेगा और कौन जुड़ेगा, और ये भी आपको दिखाई पड़ेगा। यशवंत सिन्हा की उस दली में तो दम है ना, जब वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पार्टी को कह दें कि वो सेक्युलर पार्टी साथ रहूंगा और उसके एक नेता को, एक मुख्यमंत्री को कह दें कि वो नॉन सेक्युलर है, तो ये दलील नहीं चलेगी? देखिए, ये कहना सही है ना? देखिए, अभी नीतीश कुमार जी की तरफ से कोई इस तरह का औपचारिक न बयान आया, कुछ लोगों ने छुट्टा पिट्टा बयान दिया है, उसको मैं कोई बहुत महत्व नहीं देता, एक चीज। दूसरी चीज, हमारी पार्टी औपचारिक रूप से अपना ऐलान करेगी, उसके बाद कौन साथ आता है कौन साथ छोड़ता है उसका देखेंगे। मतलब उसके लिए तैयार है आप? हाँ, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, देश के सामने जो चुनौतियां हैं वो महत्वपूर्ण है और देश की चुनौतियों पर विजय हासिल करना महत्वपूर्ण है, और उस विजय को हासिल करने में कौन नेता कौन नेतृत्व मजबूती से काम कर पाएगा वो महत्वपूर्ण है। SRCC में जब उन्होंने बोला था युवाओं की जबरदस्त, आज वो बोल रहे हैं, तो मुख्तार अब्बास नकवी जी और आपका भी एक इतिहास रहा है अपने तरीके से ओरेशन का, आप क्या सुनना चाहेंगे आज मोदी साहब? देखिए, हमें बहुत एक्सपेक्टेशन है और आज मोदी जी बोलेंगे, हमारे दूसरे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी बोलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी का भी आज उद्बोधन होगा और समापन भाषण जो है वो आडवाणी जी का होगा, उसके अतिरिक्त प्रस्ताव वगैरह होंगे और सारे मुद्दे होंगे। लेकिन निश्चित तौर से जैसी आप कह रही हैं कि एक क्यूरियोसिटी है कि मोदी जी क्या बोलेंगे और कैसा बोलेंगे, तो अब इंतजार करना चाहिए हमको क्या बोलेंगे। गडकरी साहब से मीटिंग में क्या बात हुई है? बीती रात डिनर पर लंबी बातचीत हुई है गडकरी और मोदी जी की। देखिए, गडकरी जी हमारे अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, गडकरी जी के साथ या अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मोदी जी मिलते रहे हैं और मिलना स्वाभाविक भी है। आने वाले दिनों में कई राज्यों के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव भी कब हो जाए, किस समय हो जाए पता नहीं, मुझे तो दिखाई पड़ रहा है कि इसी साल हो सकता है हो जाए, तो उन चुनाव में, उन चुनाव की रणनीति, उस चुनाव में पार्टी मजबूती से खड़ी हो और विजय पताका फहराए, इसकी तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं। राजनाथ सिंह यहां पर रहेंगे, जो कैंपेन कमेटी है उनके साथ काम करेगी, उसमें नरेंद्र मोदी होंगे, कहां पर किसे फिट करेंगे? देखिए, पार्टी का जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग समय पे सबको दी जाती है। कैंपेन कमेटी भी होती है, डेफिनेटली उसमें कैंपेन कमेटी में केवल एक व्यक्ति नहीं होता, कई लोग होते हैं,
साथ ही पार्लियामेंट्री बोर्ड से लेकर के जो ऑफिस बेयरर्स हैं नेशनल सिटी, वो सारी चीजें होती है जो अप्रोप्रिएट टाइम पे अनाउंसमेंट। मोदी का फिट वो पता लग जाएगा आपको कब फिट होंगे, लेकिन जहां फिट होंगे विजिबल होंगे। उनके नाम को प्रोजेक्ट करने में क्या चीज है जो आप लोगों को रोकती है? कोई नहीं रोक रही, कोई चीज नहीं रोक रही है। जिस वक्त उपयुक्त समय होगा और किसको प्रोजेक्ट करना है, किस समय प्रोजेक्ट करना है, कर दिया जाएगा। लेकिन आप जो चीज जो है वो कहते हैं ना, एक कहावत की जबान खल्क को नकार है खुदा समझो। जो पब्लिक, जो लोग बोल रहे हैं, जो आपको सुनाई पड़ रहा है गांव गली चौराहों में, जो सुनाई पड़ रहा है हर कार्यकर्ता जो चीज बोल रहा है, हर व्यक्ति जो चीज बोल रहा है, तो अब उसके लिए आपको क्या बताया जाए? जो आपको औपचारिक रूप से घोषणा होगी पता लग जाएगा। बाद में बवाल उनके नाम पर इसलिए हुआ क्योंकि मदनी साहब ने ये कहा कि मोह भंग हो गया है कांग्रेस से ज्यादा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मदनी साहब प्रचार कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए और फिर वो बिल्कुल ही यू टर्न लेके उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की हालत गुजरात में बेहतर है बाकी राज्यों से। राय जैसी सीट है जहाँ 95% मुसलमान है बीजेपी की जीत, अब कौन सी चीज रोक रही है आपकी पार्टी? नहीं देखिए क्या है, अगर आप देखें तो पिछले 2150 उसमें कॉर्पोरेशन में और पंचायतों में इलेक्शन हुए, वहां पर गुजरात में मुस्लिम जीते, इसी बीजेपी से जीते, इसी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीते। तो ये अब जो इशू है, ये इशू सिर्फ पॉलिटिकल इशू रह गया, हिपोक्रेटिक इशू रह गया। नीतीश कुमार दो तीन लोगों को समझाना फिर अनाउंसमेंट हो जाएगा, वो हो सकता है कि कुछ और नए लोग भी जुड़ जाए, आप कुछ नए लोग भी जुड़ जाए हमारे साथ, कुछ नया गठबंधन भी बढ़े। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस चार ही पे रहेगा, और बढ़ेगा और बढ़ेगा। हाथ पैर फैला रहे मुझे बहुत लगता है, बड़ी संख्या में ऐसे अभी तो देखिए 50% जो यूपीए में है लोग, वो ऐसे लोग हैं जो एनडीए में रह के हैं, और एनडीए में जब थे तो यही नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी थे। तो या फिर उसके बाद से बात हो रही ममता बनर्जी से या मुलायम सिंह यादव, उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। तो इसलिए मैं इसमें कहीं कोई चीज नहीं देखता। आने वाले दिनों में आपको बीजेपी लेड एनडीए का गठबंधन बहुत मजबूत दिखेगा, बड़ा दिखेगा। उसके लिए बीजेपी के स्तर पे भी काम हो रहा है, शरद यादव भी काम कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने कुछ संकेत दिए हैं, कुछ है क्या उसमें? मुझे नहीं लगता। देखिए मुलायम सिंह यादव जी और हमारी पार्टी एक नदी के दो धारे हैं, इसलिए जो है उनके साथ ना वो आएंगे ना हम आते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, उनके सरोकार अलग है, हमारे सरोकार। ममता और जयललिता, अब वो देखिए आगे आगे बहुत से लोग डेपुटेशन कहीं पे है, समय पे आ जाएंगे मूल कैडर में। तो चलिए मुबारकबाद सखी जी हमारे साथ बने हुए, साफ इन्होंने एक तरह से कहा है कि जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो आने वाले वक्त में तय करें किसे क्या करना है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम को जो तरह से लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है उसी तरह से बढ़ती रहेगी और नए साथियों को भी लेकर कुछ हो सकता है, इस तरह के संकेत भी साफ उनकी बातों में।